हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ठाकुर है। आज हम बात करेंगे डर के बारे में। डर यह मूल भावना सभी इंसानों की होती है। हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी परिस्थिति में डरता ज़रूर है, लेकिन यह डर कुछ समय के लिए होता है और यह बार बार हमें नहीं होता, वो उसी समय के लिए मर्यादित होता है। लेकिन जब यह डर अनुचित होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है और निरंतर होता है, और वह किसी विशिष्ट परिस्थितियों में या विशिष्ट चीज़ों को देखकर या उनका एहसास होने पर हमें होता है, तो यह धीरे धीरे एक मानसिक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम फोबिया या भय का नाम देते हैं। जिन जिन चीज़ों से या परिस्थितियों से हमें डर का एहसास होता है, उसे हम फोबिक स्टिमुलस कहते हैं, जिसके होने के वजह से हमें डर महसूस होता है। जब डर महसूस होता है, तब घबराहट होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, पसीना निकलना, चिंता, ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिनका हम इलाज करते हैं हमारे अस्पताल में। हमारा अस्पताल अकोला महाराष्ट्र में है और हमारी अलग अलग ब्रांचेस है, पूना, नागपुर, ठाणे, और हम सारी मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं तथा व्यसन मुक्ति का भी इलाज करते हैं। हमारे पास दो अस्पताल है। एक अस्पताल में हम रिश्तेदारों के साथ मरीजों को रखकर इलाज करते हैं तथा हमारे पास दूसरा अस्पताल है जिसमें हम रिश्तेदारों के बिना मरीजों को रखकर उनका इलाज करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक फोबियाज की। तो ऐसे वो कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हम यह बता सकते हैं कि उस व्यक्ति को फोबिया नाम की बीमारी है या नहीं? तो कुछ चुनिंदा लक्षण है। जो लक्षण अगर 6 महीना या उससे ज़्यादा के समय के लिए हमें किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वह फोबिया से बीमार है। इसका पहला लक्षण है कि किसी भी सिचुएशन या परिस्थिति या चीज़ को या किसी जानवर को देखकर बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न हो जाना या बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति पैदा हो जाना। दूसरा लक्षण है कि अगर कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में या उस वस्तु को देखकर या उस जानवर को देखकर एकदम से डर जाता है, चिंता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम एक इम्पॉर्टेंट लक्षण फोबिया का मान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई व्यक्ति अपने घर में काम कर रहा हो और अचानक उसे छिपकली दिख जाती है, तो वो तुरंत घबरा जाता है, घबराहट महसूस होना है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अक्सर कोई लड़की हो तो वह अपने आप को कमरे में बंद कर देती है, बहुत घबरा जाती है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम कोई बटन चालू करते हैं और पंखा घूमना शुरू हो जाता है, उसी तरह से यह ट्रिगर फैक्टर या यह डर की स्थिति उनके अंदर इस तरह से डर उत्पन्न कर देती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण है, यह लोग इस डर की स्थिति से, परिस्थिति से या फिर जिस चीज़ से उन्हें डर लगता है, उस चीज़ से दूर भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें टालने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर किसी को ब्रिज क्रॉस करने का डर हो, पुलिया क्रॉस करने का डर हो, तो वह अक्सर उस रास्ते से न जाते हुए किसी और रास्ते से जाएंगे। भले ही वो उन्हें ज़्यादा समय लेने वाला रास्ता क्यों ना हो, लेकिन वो टालेंगे कि हमें ब्रिज से नहीं गुजरना। इस बीमारी का चौथा लक्षण होता है कि तुलनात्मक तौर पर अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को हम देखें और उसके सामने वही डरावनी चीज़ आए जो एक फोबिक बीमारी वाले पेशेंट के सामने आए, तो तुलनात्मक तौर पर जिसे फोबिया है उसे ज़्यादा डर महसूस होता है एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले। मान लो अगर किसी कुत्ते का डर लगता है, तो नॉर्मल व्यक्ति के सामने अगर कुत्ता है तो उसे जितना डर लगेगा उससे कई गुना ज़्यादा और कई ज़्यादा देर तक जिसे फोबिया है उसे डर लगेगा। मान लो उसके सामने कुत्ता है तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा या इतना डर जाएगा कि उसके सामने जैसे शेर आ गया। पांचवा महत्वपूर्ण लक्षण है इस बीमारी का कि यह जो लक्षण सारे हमने ऊपर अभी तक बताए हैं, यह लक्षण माने डर, चिंता या फिर इन सिचुएशन को टालने के लिए अगर कोई दूर भागने की कोशिश 6 महीने या उससे ज़्यादा के समय के लिए कर रहा हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वो फोबिया की बीमारी है। छठा और अंत का लक्षण यह है कि यह जो
चिंता या डर होता है किसी भी सिचुएशन या किसी चीज़ के बारे में, यह उनके काम में रुकावट पैदा करता है तथा उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है इन चीज़ों से और वह उन्हें ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इस बीमारी के 3 मुख्य टाइप्स है। इसमें पहला है एनिमल। इसमें एनिमल का डर लगता है जिसमें इंसेक्ट्स भी है, लाइक किसी को कुत्ते का डर होगा, किसी को स्पाइडर का, छिपकली का डर। दूसरा टाइप है कुदरती परिस्थितियों का या स्थितियों का डर, लाइक ऊंचाई का डर, पानी का डर, थंडरस्टॉर्म का डर या बिजली कड़कड़ाने का डर, ऐसा हो सकता है। एक तीसरा टाइप होता है जिसमें खून का डर उस व्यक्ति को होता है, जिसे ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया भी कहते हैं। तो ये एक बीमारी है जिसमें अलग अलग लक्षण हमें दिखते हैं और लोग काफ़ी डरावने सहमे हुए हमारे पास आते हैं। उन्हें अक्सर ये लगने लगता है कि इस डर का कोई इलाज नहीं है, बट हमारे अस्पताल में हम काफ़ी ऐसे मरीज़ों को ठीक कर चुके हैं और हम अभी भी कर रहे हैं। इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। कुछ लोगों को दवाइयों से फ़ायदा हो जाता है, कुछ लोगों को सम्मोहन या फिर काउंसलिंग जिसे समुपदेशन भी कहते हैं, और एक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी होती है जो स्पेसिफिकली इस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, आपके आसपास या आप खुद भी इस बीमारी से ग्रसित होंगे या आपके कोई रिश्तेदार मित्र अगर इससे परेशान होंगे तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। धन्यवाद।